Dear students, now I am going to teach you the 11th paragraph of first lesson, My Second Part in English. Paragraph is I want to meet. As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, I presented myself before the teacher for the assignment. उतने जल्दी जितने जल्दी की संभव हो सका हैम्पटन संस्था के परिसर में पहुंचने के बाद उतने जल्दी जितने जल्दी की संभव हो सका मैं अपने आप को जो है हेड मास्टर के सामने इस कक्षा में दाखिला लेने की उद्देश्य प्रस्तुत कर दिया। Having been so long without supper food, कई दिनों से उनका खाना न खाने के कारण की बात स्नान न करने के कारण एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग कपड़ों को न बदलने के कारण I did not know of food, संभवतः मैं नहीं जानता था I did not of food, make a deliberate impression upon them. मैं जो है ये अपने पक्ष में मैं टीचर को जो है प्रभावित नहीं कर पाया। आई कुड सी एट वन मैं तुरंत देख सकता था देयर देयर डाउट इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज स्टूडेंट। एक विद्यार्थी के रूप में मेरा एडमिशन लेने के लिए उनके दिमाग में एक संदेह था ऐसा मुझे लगा ऐसा मुझे हर सम टाइम सी डिड नॉट एग्री टू एडमिट मी। कुछ समय तक तो वो जो है मेरा एडमिशन लेने से इनकार नहीं की नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर न मेरे पक्ष में ही कोई निर्णय ले पाई आई कॉन्टिन्यू लिंगर अबाउट हर मैं निरंतर हेड मास्टर के सामने जो है टीचर के सामने निरंतर वही पुकार रहा है टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वे आई कुड विद माय वर्किंग और अपनी योग्यता से मैं जो है जितना हो सकता था मैं उतना प्रभावित करता रहा। इन द मीन टाइम किसी भी आई का हर एडमिशन अदर स्टूडेंट मैंने देखा कि अन्य विद्यार्थियों का एडमिशन ले रहे एडमिटिंग अदर For some time, I added to my deeply discomfort. इस बात ने मेरी दिक्कत को मेरी परेशानी को और भी बढ़ा दिया। I felt deep down in my heart, मैं अपने दिल में अत्यधिक कष्ट का अनुभव किया। That I could do as well as they if I could only get a chance. So, what was it? लेखक का कहना है यदि मुझे अवसर मिल जाता तो मैं उनको ये दिखा देता कि मैं भी उतना ही अच्छा इस स्कूल में संस्था में कर सकता हूँ जितना कि ये विद्यार्थी जिनका एडमिशन दिया जा रहा है। नाउ द एक्सप्लेनेशन हियर द राइटर टेल्स अस दैट नो सूनर डिड ही Reach in Hampton Institute, he at once presented himself before the head teacher for his admission in the class. As we know that he had not eaten supper food for so many days, he had not bathed, his class was dirty, that's why He could not make any impression in the mind of the teacher. His out appearance could not affect the mind of the teacher. The writer at once guessed that there were doubts in her mind to accept him as a student of the teacher. But the writer did not move from there.
He stayed there continuously. He saw that other students were being admitted in the institute. This scenery, idea, the difficulty, the disturbance, the disappointment of the writer was very great. Now again, the writer says that he could also do this, like those students whom were being admitted in the institute, only he could get the chance to see, to show his worthiness. Now we are this paragraph after some more delight. After some hours had passed, कुछ घंटे बीत जाने के बाद द हेड टीचर से तुम्हें हेड टीचर ने मुझे कहा द एडजॉइनिंग रजिस्ट्रेशन रूम नीड सीटिंग बगल का जो संगीत कक्ष है उसमें झाड़ू लगाने की टेक रूम एंड स्पीच रूम लो और इसकी सफाई करो इट अकर्ड टू मी आई वन मुझे तुरंत ऐसा प्रतीत हुआ कि हियर वाज माई चांस मुझे अब अवसर मिल गया नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट इतनी खुशी से इतनी प्रसन्नता के साथ मैं कभी भी कोई ऑर्डर किसी का जो है विचार नहीं किया इंग्लिश मीनिंग आप दी थ्री आर फोर लाइन की हेन द राइटर रिमेन स्टैंडिंग नियर द हेड टीचर द हेड टीचर एट वन ऑर्डर्ड हिम टू सीव द रजिस्ट्रेशन रूम विच वॉज जस्ट नेक्स्ट टू ट्रैफिक द राइटर वॉज टोटली सैटिस्फाइड टू डू दिस वर्क ही थॉट दैट नाउ he has got the chance. The writer Jason says he has given the order of anyone in his life so gladly as the order of the head teacher of the academy. Now, the 13th paragraph, I just read this in the institution. I took the recitation room 3 times. राइटर का कहना है लेखक का कहना है कि मैं उस संगीत कक्ष की सफाई 3 बार किया देन आई गॉट ए दर्शन क्लास तब मुझे दर्शन क्लास मिल गया उसकी सफाई करने का दस्ते की और 4 बार इसकी सफाई किया आज रूट पर तिरंगा से लकड़ी के जो कामकाज किए गए थे उन सबकी सफाई किया एवरी बेंच टेबल एंड डेस्क बेंच टेबल डेस्क इन सबकी सफाई की आई ने सुबह 4 टाइम विथ माई डस्टिंग क्लास डस्टिंग कपड़ा जो है साफ करने का कपड़ा उससे भी मैं 4 बार साफ किया इसके अतिरिक्त एवरी पीस ऑफ फर्नीचर है बीन मूव फर्नीचर के हर टुकड़े को साफ कर दिया एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम कमरे के हर कोने और किनारे को ये सबकी सफाई में गहन रूप से किया आई है फीलिंग that in a large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of the room. I had feeling मेरे अंदर एक भावना आ गई मेरे अंदर भावना थी मेरा भविष्य जो है अत्यधिक रूप से मेरा भविष्य मेरे उस कार्य पर पड़ेगा जिस कार्य के प्रभाव से मैं अपने ही टीचर को जो है प्रभावित कर सकूँगा फिर आई वॉज थ्रू जब मैं अपना सफाई का काम कर लिया आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर मैं इसकी सूचना हेड टीचर को दिया दी वॉज यंकी वूमन वो यंकी महिला की जात की नीव जस्ट हेयर टू लुक फॉर डर जो जानते थे भूल कहाँ पे हो सकता सी वेंट इनटू द रूम वह कमरे में गई एंड एक्सपेक्टेड द फ्लोर एंड कोने फर्श का कोने और किनारों का सबका निरीक्षण किया देन शी टू हर हैंडकरचीफ एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क अबाउट द वॉल सब अपना रुमाल ली और दीवार की जो लकड़ी के साथ सज्जा किए गए थे लकड़ी से बनाए गए सब मटेरियल वहाँ पे जो था उस
को भी अपने रुमाल से साफ किया, टेबल को, बेंच को। फिर शिवा एबल टू फाइंड वन बीट ऑफ डस्ट ऑन द फ्लोर आर पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर। जब उसे धूल का एक भी टुकड़ा जो है न तो फर्श मिल पाया और न तो कोई धूल का कण फर्नीचर से ही मिला। शी क्वाइटली रिमार्क शांति मन से कही, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन। मैं अनुमान लगाती हूँ, अंदाजा लगाती हूँ, मेरा गिद्ध है कि आप इस संस्था में प्रवेश पाने के काबिल है, प्रवेश के योग्य है। नाउ द मीनिंग इन इंग्लिश, हियर द राइटर टेल्स अस दैट व्हेन ही गॉट परमिशन टू क्लीन द रेसिकेशन रूम ही वाज कंप्लीटली ही एट वंस वेंट इनटू द रूम एंड स्वेप्ट द नीडी रूम थ्री टाइम्स। ही टुक द डस्टिंग ग्लास एंड डस्टेड इट फोर टाइम्स। इन दिस वे ऑल द फर्नीचर ऑफ बेंच डेस्क क्लोजेस एंड कॉर्नर ऑफ द रूम वाज थॉरली क्लीन। The writer had great feeling that his future depended, his future for admission in the institute depended on his work, by which he might be able to improve the head teacher. When the writer had completely finished his work, he at once told the teacher. She entered into the classroom, inspected all the closed corners of the room. She took the handkerchief and rubbed it everywhere in the room, and now she was not able to find even a particle of dust on the floor, on the desk, on the table. Being completely satisfied with writer, she told the writer that he had quality for the admission of in this institution. Now the 14th and last paragraph of education, I was very, very different part. आई बात वन आता है कि दो स्थान पर शिक्षक का कहना है कि जब उस संस्था में प्रवेश पाने की अनुमति मुझे मिल गई, मैं अपने आप को इस पृथ्वी पे सबसे प्रसन्न चित्त देख समझा। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। उस कमरे की सफाई का काम जो मैं किया, मेरी कॉलेज की परीक्षा। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन। तब से लेखक का कहना है, तब से मैंने अपने जीवन में बहुत सी परीक्षाओं को पास किया, बताई है बाद में थे, लेकिन मैं हमेशा महसूस करता रहा हूँ दैट इस बार तब फिर आई हर बार। जितनी परीक्षाएं मैंने पास किया उनमें मेरी ये परीक्षा सबसे अच्छी रही। नाउ द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश, हियर द राइटर टेल्स अस दैट when he got the permission of the head teacher for his admission in the Hampton Institute, he felt himself to be the happiest man on the earth. The speaking word that was given to him was his college examination, was his entrance examination, we can say entrance examination. The writer tells us that he had passed many, many examinations in his life after that, but he always feels that this examination of Hampton Institute, this entrance examination of Hampton Institute was the best of all. Now, this is the end of the lesson. But I want to tell you
that we must never hesitate, we must never fear to achieve education in any institution. And we know that the writer who was very poor, hard his winning room, worked in the coal mine, and who had nothing in his pocket, in spite of all these problems, he had the burning desire in his soul to go to Hampton and take the admission. After facing so many difficulties, so many problems on the way, at last he succeeded to get his admission. So, anybody who has any business aim, any business goal of life, really, they will be successful. So, this is my advice. All of you to be always ready to face any difficulty, any problem that happens on your way while you are going to achieve the aim of your life.